ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, ये महत्वपूर्ण फैसला, और इस फैसले को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, मैं कुछ लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कनॉट प्लेस के पास और इनसे बातचीत होगी, इनसे जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण है, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब तबका है उसको 10% आरक्षण मिलेगा, ये 2019 का फैसला था, हालांकि इस पर आज फिर से सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने की बात जो है वो निर्णय लिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बहुत अच्छा किया है। जनरल कैटेगरी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है और वो बहुत कमजोर तबके के हैं, तो ये 10% आरक्षण मिला है तो वो उनका लेबल उठेगा और वो उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। क्या नाम है आपका? बीएम सिंह। आपका क्या नाम है? आयुष पटेल। पढ़ाई करते? जी मैम। ये जो फैसला लिया गया ईडब्ल्यूएस में आरक्षण 10% बना रहेगा, कैसे देखते हैं आप इसको? मैम, ये जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना रहेगा, इसके पक्ष में जो फैसला आया है ये काफी स्वागत अनुसार फैसला है, क्योंकि मैम जो एसटीएससी और ओबीसी वाले छात्र हैं उन्हें तो ये मिलता है आरक्षण, हर इनके लिए रिजर्व सीट्स रहती है, क्योंकि मैम आरक्षण लागू ही इसीलिए हुआ था कि जो गरीब तबका है, सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं उनको समानता, हाँ उन्हें समानता के लिए दिया गया था, लेकिन जो जनरल वर्ग का जो गरीब अब जो पीछे रह रहा था वो भी आगे बढ़ सके, इसलिए ये 10% जो आरक्षण, ये जो ईडब्ल्यूएस लागू रहेगा ये काफी अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है? मोनू शर्मा नाम। क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब तो सभी कास्टों में होते हैं, या तो जनरल में हो या एसटीएससी में हो या कोई भी कास्ट उसका हो, लेकिन ये अच्छा फैसला आया देश और हमारे सभी लोगों के लिए, जो भी हो, अगर जनरल कास्ट से मैं भी बिलोंग करता हूँ तो ये तो फायदा है कि मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और ये जनरल कैटेगरी में वो इसका लाभ उठा सकते। जी जी, आने वाले टाइम में हमारे या मित्र जो भी हो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। जी मैम। आपका क्या नाम है सर? शशांक त्रिपाठी। और ये जो फैसला आया है 10% आरक्षण बना रहेगा, कैसे देखते हैं इसको? ये फैसला अच्छा है, जैसा पटेल जी ने कहा, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, वहाँ पे हम लोग जब पढ़ते थे तो वहाँ बेसिकली बहुत बार दोस्तों में, सीनियर्स में ये मुद्दा होता था कि आरक्षण क्यों है, तो वहाँ एक ही डिसीजन निकल के आता था, आरक्षण जो भी है भारत में, जो पहले जब समय में लागू हुआ था तो वो कास्ट विभेद पे लागू हुआ था, क्योंकि उस समय उस सिस्टम उस तरह से चल रहा था अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसके बाद जो शोषित वंचित चल रहा है, अभी देश में इकोनॉमिकल सब चीज चल रहा है, तो आरक्षण को भी इकोनॉमिक तौर पे लागू करना चाहिए, उसमें किसी भी जात विभेद नहीं करना चाहिए। सपोज दैट एससी ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो भी हटा दिया जाए, सब पे सिर्फ गरीबी के आधार पर मिले, गरीबी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो हम जहाँ पे रहते थे वहीं पे, वो उनके मकान में मैं खुद रहता था, वो SBI के ऑफिसर थे, उनके बच्चे 945 में पढ़ता था, वो 245 में पढ़ते थे, तो मेरे पिता फार्मर हैं, तो बताइए इसमें कौन सपोर्ट करेगा, कौन आगे, उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दे रही है, मुझे नहीं दे रही है, तो इन सब चीजों से दिक्कतें होती हैं। आपको थोड़ी उम्मीद जो है वो दिख जी, और जो अभी इंडिया जो है इकोनॉमिकली चल रहा है, तो वहाँ पे जब भी डिस्कस होता था आप लोगों के बीच में, तो सीनियर्स में जो IAS वगैरह की तैयारी करते थे, तो यही होता था कि आरक्षण को हमेशा जो है इकोनॉमिक कंडीशन से लागू करना चाहिए। सपोज दैट है कि ऐसा है कि मैं जनरल हूँ, कोई मेरे साथ का है, मेरे SC ST है, आज के शिक्षित लोगों में सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरह से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब वो ज्यादा नंबर पाके जनरल कैटेगरी और कम कैटेगरी वाला व्यक्ति कम नंबर पाके बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जात विभेद उत्पन्न हो जाता है इस आरक्षण की वजह से, आपस में खुन्नस हो जाती है लोगों के बीच में, ऐसा मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा, इसलिए जो है धन्यवाद। आपका क्या? मैं चंदन, मेरा नाम है चंदन कुमार, मैं से चंदन, आप? मैं यूपी से हूँ मैडम, आजमगढ़ से। सर, ये बताइए कि ये जो फैसला लिया कि हम इसको बना रहेगा भाई, 10% जो है वो आरक्षित है, वो गरीब बच्चे लोग जो फायदा नहीं मिल रहा था जिनको इन सब चीजों का, जो गरीबी के आधार पर जो है अब उनको इसका फायदा मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, कोई भी आदमी हो, अगर वो वास्तव में गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, अगर वो गरीब नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में वो हो, हमारा मानना ये मैडम है। ठीक है, के आधार पर ही आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, ये यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जिसे माना जा रहा है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे लोग भी थे जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि आरक्षण
बना रहना चाहिए। इससे जो खास तौर पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हो या ना हो, आर्थिक रूप से जरूर पिछड़े हुए हैं, उनको जरूर इससे फायदा मिलेगा। अपने सहयोगी अजय चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।